चलिए हम लोग पढ़ेंगे आज संयुक्त औसत। औसत का ही टॉपिक है ये, कंबाइंड एवरेज। ठीक, तो पहले हम इसका प्रश्न लिखेंगे, फिर आगे बताएंगे कैसे लगेगा। लिखिएगा, एक कक्षा के लड़कों का औसत भार, एक कक्षा के लड़कों का औसत भार, औसत भार ना कि आप औसत आयु लिखिए, औसत आयु 16.8 वर्ष है, 16.8 वर्ष है, एवं लड़कियों की औसत आयु, एवं लड़कियों की औसत आयु 15.8 वर्ष है, 15.8 वर्ष है, जबकि पूरे कक्षा ब्रैकेट में लिखिएगा, लड़के एवं लड़कियों को मिलाकर ब्रैकेट क्लोज का औसत भार, औसत आयु 16.4 वर्ष है, 16.4 वर्ष है। तो बताइए लड़के एवं लड़कियों की संख्या में, क्या अनुपात है, चलिए हम बताते हैं इसको। यहां देखिए आपको बताया गया है नेट, मान लेते हैं इधर लड़के हैं, तो लड़के मान लें कि एक्स लड़के हैं और लड़कियां वाई मान लेते हैं। लड़कों की औसत आयु कितनी है, 16.8, जबकि लड़कियों का 15.8। देखिए हम टोटल निकालेंगे तो आप बताएंगे, टोटल निकालने के लिए नंबर इनटू एवरेज का गुणा कर देते हैं, ये हो जाएगा 16.8 एक्स। लड़कियों का निकालेंगे तो 15.8 वाई। हम कहें पूरे कक्षा में कितने लड़के और लड़कियां हैं, दोनों को जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई। तो इधर हम जानेंगे कि पूरे कक्षा की औसत आयु क्या है, लड़के और लड़कियों का मिला के तो जोड़ देंगे, ये कितना हो जाएगा, 16.8 एक्स प्लस 15.8 वाई। अब देखिए आपको पता है कि औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या या योग बटे संख्या। तो कुल योग कितना आया है, 16.8 एक्स प्लस 15.8 वाई, और कुल संख्या कितनी है, एक्स प्लस वाई। और आगे हमें बताया गया कि जबकि पूरे क्लास की औसत आयु कितनी है, 16.4 बराबर ये 16.8 एक्स प्लस 15.8 वाई। अब देखिए इधर एक्स प्लस वाई का भाग इधर आएगा तो गुणा, हम कहेंगे 16.4 एक्स में होगा तो एक्स प्लस 16.4 वाई में होगा तो वाई बराबर ये 16.8 एक्स प्लस 15.8 वाई। अब क्या करेंगे, x को एक तरफ y को एक तरफ, इसको हम इधर लाते हैं, ये होगा 16.4x माइनस 16.8y
सॉरी एक्स, ये एक्स बराबर ये 15.8 वाई पहले से ही है, ये इधर प्लस में उधर गया माइनस में, ये कितना होगा 16.4 वाई। अब देखिए 16.4 से 16.8 घटाएंगे आएगा -0.4 एक्स, ठीक घटाएंगे तो यही आएगा ना बराबर। अब 15.8 से हम 16.4 घटाएंगे तो कितना आएगा माइनस में आएगा 0.6 आएगा, कहाँ वन आएगा, अरे भाई उल्टा घटा दो ना 15.8 घटा दो कितना आएगा 0.6 तो आएगा, और ये बड़ा इसलिए इसका चिन्ह लिखा गया और वाई लगा है तो वाई लगा दिया, ठीक। अब देखिए ये माइनस माइनस से कैंसिल आउट और ये पॉइंट पॉइंट से कैंसिल आउट, क्लियर। बचा क्या, तो इधर हम निकाल लेते हैं एक्स और ये इधर आया तो वाई बराबर 6/4 काटेंगे तो ये 3, ये काटेंगे तो 2, हम कह सकते हैं एक्स बटा वाई बराबर 3/2। तो हमसे क्या पूछा है, हमसे क्या पूछा, लड़के और लड़कियों की संख्या में अनुपात। देखिए लड़के तो लड़कों को हमने क्या माना था एक्स, तो देखिए एक्स अनुपाते, लड़कियों को वाई माना जाए तो वाई, और क्या आया है 3/2, इसका मतलब 3/2। तो क्या कहेंगे, लड़के एवं लड़कियों की संख्या में 3/2 का अनुपात है, ठीक नोट कर लीजिए। अब देखिए इसी को हम दूसरे तरीके से लगा सकते हैं, लगा सकते हैं हम एलिगेशन, और एलिगेशन लगता कैसे है, देखिए बोला है एक कक्षा में लड़के और लड़कियों में वर्षों दिया है, आयु में क्या है रेशियो क्या दिया है, आयु कितना है लड़कों को औसत आयु, लड़कियों की औसत आयु, लड़कों का औसत आयु कितना है 16.8, लड़कियों का 15.8, जबकि पूरे कक्षा का 16.4। अब देखिए एलिगेशन हम लगाएंगे लेकिन ध्यान देंगे, ये जो दो रेशियो दिया है, दो वैल्यू दिया है, और जो तीसरा सबका मिलाकर औसत दिया है, क्या ये जो औसत है दोनों के बीच में आता है कि नहीं, दोनों के बीच में आ रहा है, तब हम यहां लगाते हैं एलिगेशन। मिश्रण विधि, मिश्रण विधि में क्या है, हम अंतर निकालते हैं, क्या निकालते हैं अंतर, बड़े में से छोटे को घटा देंगे। याद रहे अगर हम एक बार यहां ऊपर से नीचे घटाते हैं अगली बार नीचे से ऊपर घटाएंगे, या हम यहां नीचे से ऊपर घटाते हैं इधर हम ऊपर से नीचे घटाएंगे, ये याद होना चाहिए, वाइस वर्सा होना चाहिए, एक दूसरे का ठीक विपरीत। चलिए इधर हम घटाते हैं 16.8 में से 16.4, इधर घटाएंगे ऊपर से नीचे, अपने घटाते हैं क्या घटाएंगे नीचे से ऊपर 16.4 माइनस 15.8, तो क्या आएगा ये बोलो 16.4 और इधर 16.6, ये कैंसिल आउट हुआ 0.6 से, इधर 6 आएगा इधर 4 में, ठीक 0.6 से 0.6 कैंसिल आउट, ये 2 × 6 = 2 × 4 क्या बचा 3/2, लड़कों में क्या अनुपात, लड़कों लड़कियों में 3/2, क्लियर है नोट कर लीजिएगा। लिखिएगा अगला प्रश्न, एक परिवार में
सभी सदस्यों को मिलाकर, सभी सदस्यों को मिलाकर 15 सदस्य हैं, 15 सदस्य हैं। आगे लिखिएगा, जिसमें पुरुष सदस्यों का औसत खर्च, पुरुष सदस्यों का औसत खर्च 1800 रुपया है, 1800 रुपया है, एवं महिला सदस्यों का औसत खर्च, एवं महिला सदस्यों का औसत खर्च 2400 रुपया है, 2400 रुपया है, जबकि पूरे परिवार का, जबकि पूरे परिवार का औसत खर्च 2000 रुपया है, 2000 रुपया है। तो बताइए इसमें दो प्रश्न, पहला पुरुष सदस्यों एवं महिला सदस्यों में क्या अनुपात है, पुरुष सदस्यों एवं महिला सदस्यों में क्या अनुपात है, दूसरा पुरुष सदस्यों की संख्या क्या है, पुरुष सदस्यों की संख्या क्या है, लगाइए आप लोग। और सही है, ठीक। देखिए बताता हूँ, हम मान ले एक तरफ पुरुष सदस्य और एक तरफ महिला सदस्य, ठीक। अब पुरुष सदस्यों का औसत खर्च कितना है, 1800 एवं महिला सदस्यों का 2400, और इसके बाद बोला गया जबकि पूरे परिवार का औसत खर्च कितना, 2000। अब क्या ये 2000 1800 और 2400 के बीच में आता है कि नहीं, आता है तो एलिगेशन लगेगा, ठीक। अब देखिए, आपको एलिगेशन पता होगा कि यहां से डिफरेंस निकालते हैं तो 1800 और 2000 के बीच का अंतर कितना होगा, 200। इधर 2000 और 2400 के बीच का डिफरेंस क्या होगा, 400। रेशियो लगा दिया, ये 2 × 400, 200 × 201 का 200। तो क्या आया अनुपात, 2:1। ये 2:1 क्या है, पुरुष सदस्य एवं महिला सदस्य में अनुपात। लेकिन हमसे क्या पूछा है, जरा प्रश्न पढ़िए, पहला क्या है, पुरुष एवं महिला सदस्यों में अनुपात। तो पहला यही है, पुरुष एवं महिला सदस्यों में क्या अनुपात है, हम कहेंगे पुरुष सदस्य एवं महिला सदस्य में कितने का अनुपात है, 2:1 का अनुपात है। इसके बाद दूसरा प्रश्न क्या बोला है, पुरुष सदस्यों की संख्या,
पुरुष सदस्यों की संख्या। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न में यह भी बोला है कि परिवार में कुल कितने सदस्य हैं? 15। और हमसे पूछा किसका है? पुरुष का। तो देखिए इसको कई तरीके से लगा सकते हैं। पहला तो हम अनुपाती योग से लगाएंगे, हमसे पूछा है पुरुष सदस्य, पुरुष सदस्य। आप देखिए पुरुष सदस्य अनुपात में कितने हैं? दो बटे अनुपाती योग, दोनों को जोड़ देंगे, दो एक तीन, गुणे कुल सदस्य कितने हैं? 15। इसको काट दिया तो 3 × 5 = 15, 5 × 2 = 10। पुरुष, तो महिला सदस्य कितने? कुल में से 10 को घटा देंगे तो महिला आ जाएगा 5। ठीक, लेकिन देखिए इसी चीज को आप कैसे लगा सकते हो, एक तरीका और है यूनिट से। देखिए दूसरे पृष्ठ को एक तरीके से और लगाएंगे, हम यूनिट में जानेंगे कि कुल यूनिट मिला के कितना है? 3। तो हम कहेंगे 3 यूनिट। अब 3 यूनिट मतलब कुल, कुल कितने सदस्य हैं? 15। हम कहेंगे 3 यूनिट की वैल्यू है 15, यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लें, 1 यूनिट = 5। हमसे क्या पूछा है? पुरुष, तो पुरुष कितने यूनिट है? 2 यूनिट। तो हम 2 यूनिट का मान निकालेंगे। महिला पूछता तो 1 यूनिट जो कि पहले से ही है, तो हमसे पूछा है पुरुष, तो पुरुष 2 यूनिट है, तो 2 यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू 5, तो 2 यूनिट की 10। गुणा कर देंगे ना, यही आया था। इसको इस तरीके से भी लगा सकते हैं जब हमको अनुपात योग का फार्मूला नहीं पता होगा तब। लिखिएगा अगला प्रश्न, एक कक्षा में लड़कों का औसत भार, एक कक्षा में लड़कों का औसत भार 55 kg है, 55 kg है, एवं लड़कियों का औसत भार 48 kg है, 48 kg है, जबकि पूरे कक्षा का औसत भार 50 kg है। आगे लिखिएगा, तो बताइए कक्षा में लड़कों की संख्या क्या है? लड़कों की संख्या क्या है जबकि लड़कियों की संख्या, जबकि लड़कियों की संख्या 35 है, लड़कियों की संख्या 35 है। लगाइए, चलिए देखते हैं। पहले तो हम अनुपात निकालेंगे, एक तरफ लड़के एक तरफ लड़कियां, लड़कों का भार क्या है बताइए जरा, 55, लड़कियों का, पूरे कक्षा का 50, अनुपात निकाल लीजिए, तो घटाए कितना आया? 5, इधर घटाए कितना आया? 2, तो 2 / 5। अब देखिए हमसे पूछा है लड़कों की संख्या क्या है जबकि लड़कियों की संख्या 35 है, तो हम यूनिट से लगा देंगे। देखिए लड़कियां
तो लड़कियों का यूनिट कितना है? 5 यूनिट। और ये 5 यूनिट अनुपात में है, लेकिन ये वैल्यू कितना दिया हुआ है 5 यूनिट का? 35। हम यहां से एक यूनिट की वैल्यू निकाल सकते हैं, एक यूनिट की वैल्यू 35/5 कितना आएगा? 7। अब हमको चाहिए क्या? लड़कों की संख्या। तो लड़के यूनिट में कितने यूनिट है? 2। तो हमको चाहिए लड़कों की संख्या, तो लड़के हैं 2 यूनिट, और हमें पता है एक यूनिट की वैल्यू 7। तो 2 यूनिट की वैल्यू 2×7 बराबर, ठीक। एक तो ये तरीका है, एक दूसरा तरीका भी है, इसको नोट करिए फिर बताते हैं। देखिए इसको दूसरे तरीके से कैसे लगाएंगे। देखिए ये वाला तो काम हमको करना ही पड़ेगा, अनुपात तो निकालना ही पड़ेगा, बस थोड़ा सा हमको समझना है। अब देखिए हम समझेंगे कहां से, तो हम वहीं से समझेंगे जहां से कोई फिक्स मान दिया हो। तो किसी का फिक्स मान दिया है, किसका? लड़कियों का। तो लड़कियों का कितना दिया है? 35। ध्यान दीजिएगा इस स्थिति में संख्या में हमेशा एग्जैक्ट वैल्यू देता है, कटनी वाला। तो देखिए लड़कियां यूनिट में कितनी यूनिट है? 5 यूनिट है, और इनका मान कितना, मतलब इनकी संख्या क्या है? 35। तो बताइए हम 5 में कितने से गुणा कर दें कि 35 आ जाए? 7 से। यानी हम गुणा 7 से कर दिए, क्या हुआ? 35। जब हम 7 से इसमें गुणा किए हैं तो 7 से इसमें भी करेंगे, कितना आया? 14। क्या आगे आंसर आया? लड़के कितने हुए, लड़कियां कितनी हुई? 35। क्लियर है? ठीक है, आज के लिए बस इतना है, बाकी अगली क्लास में।